हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECGC लिमिटेड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे प्रोविजनल ऑफिसर यानी PO की पोस्ट के लिए फॉर्म है, वो अपना यहाँ पे अप्लाई किया गया है। फॉर्म है वो आपकी वैकेंसियाँ जारी की गई है। इसमें आप यहाँ पे 14/9/2024 से 13/10/2024 तक का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, कि जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है, डिटेल है, सभी आप यह चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। इसका ऑफिशियल पोर्टल है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है उसके आप यहाँ एंट्री करेंगे। कंफर्म आप यहाँ फर्स्ट नेम करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम के आप यहाँ एंट्री कर देंगे। और कंफर्म आप यहाँ नेम करेंगे, आपका फुल नेम आपको देखने को मिल जाएगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे। और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको डोमेन नेम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कन्फर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सारी डिटेल चेक आप जब कर लेंगे, इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड है वो आपको भरना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट आप जब कर देंगे, इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर है, ईमेल पे आपको एक पासवर्ड है और आपको दिया जाएगा, आपको चेक कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है। इसके बाद आपको अपना जो फोटो है, सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड करना है। तो आपके जो सिग्नेचर की साइज है, फोटो की साइज है, फोटो की आपकी 20 से 50 KB, सिग्नेचर 10 से 20 KB में आपको अपलोड कर देना है। इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, कंफर्म आप करेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपनी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं, यस आप करेंगे, आपकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, सभी डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, या आपका है लेफ्ट हैंड रिफ्रैक्टेड है तो आपको यस नो यहाँ कर देना है। अगर आपको यहाँ पे PH कैटेगरी में हम नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर देंगे, अभी आपको नो ही करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे रीजन है, रीजन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेनेटी कम्युनिटी में आते हैं, यस नो आप करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, आपको यस नो यहाँ पे करना होगा। तो आपकी मेनेटी कमेटी है, यस नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, यस नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड होल्डर है, आप यस करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो एग्जाम प्रेफरेंस है, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस के दिए हुए, अपने अकॉर्डिंग आपको अपना जो एग्जाम प्रेफरेंस सेंटर है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। जब आप एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस यहाँ चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको काउंट होकर आ जाएगी, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आप ट्वेल्थ ब्रदर सिस्टर नो करेंगे, आपका ब्रदर सिस्टर का नाम देंगे नहीं है, सिंपल नो कर देंगे। आपका मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपका जो भी फादर नेम है उसकी आप जानकारी यहाँ देंगे। उसके बाद आपके जो भी मदर नेम है उसकी आप जानकारी देंगे। अगर आप मैरिड है तो आप स्पाउस नेम है आपका वो आप यहाँ एंटर करेंगे। जब इसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसको आपको जानकारी देनी है। 3 लाइन आपको यहाँ पे दे के रखी है। तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ डालेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आप डालेंगे, आपका जो पिन कोड नंबर है उसकी आप जानकारी देंगे। आपका यहाँ पे अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है आप कर देंगे, अलग अलग है तो आप इसकी जानकारी है वो आप अलग अलग देंगे। आपकी जो भी GST है वो आपको यहाँ पे चूज आपको उसके बाद कर लेनी है। आपकी GST चूज करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। वैलिडेट डिटेल पे अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपको अगर एरर शो होता है तो आपने जो पॉइंट यहाँ भरा है वो आपने यहाँ कहीं ब्लैंक आपने छोड़ दिया है तो आपको यहाँ एरर शो होगा। जब आप इसे यहाँ फिल कर लेंगे, उसके बाद वैलिडेट डिटेल आपको फिर से कर लेनी है और वैलिड डिटेल करेंगे और सभी डिटेल आप भर लेंगे तो आपको सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है जो कि 1/9/2024 के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट की जाएगी, तो आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। तो आपका स्ट्रीम है सेलेक्ट करेंगे, आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के डाल देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का आपका जो यहाँ पे ग्रेड है वो आप डालेंगे, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी आप जानकारी दे सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन जानकारी दे सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ नो कर सकते हैं। आप इसकी जानकारी यहाँ दे देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, यस आप करेंगे, नहीं लेना चाहते नो करेंगे, आपको एक लैंग्वेज यहाँ आनी चाहिए, रीड राइट स्पीक आनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा आती है सिंपली आप यहाँ पे इसकी जानकारी देंगे, रीड राइट स्पीक पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे अगर आपको एक ही आती है एक ही आप रहने देंगे, एक से ज़्यादा आती है उसकी आप जानकारी देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे, ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोई गलती लगती है तो आप बैक पे जाके इसे सही कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डिटेल यहाँ गलत नहीं है, सब कुछ सही है आपकी डिटेल, तो आई एग्री आपको यहाँ कर देना है। आई एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बिल करना है, ओके आपको करना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसकी साइज आपको यहाँ पे देखे रखी है नोटिफिकेशन में। तो आपको ये भी में लेफ्ट इंप्रेशन है अपलोड करना है, 50 से 100 KB में आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आई से लेकर आपको रिक्वायर्ड तक वाइट पेज में आपके हैंड राइटिंग में लिखना है, आई के बाद आपका नेम में आपको ये वाइट पेज में लिखना है, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे आपका वाइट पेज में आई से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको लिखना है, आपका नाम डालना है और आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा, कैप्चर को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे कर देना है। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। इसके बाद ओके करने के बाद आपको अपना जो पेमेंट है जो यहाँ पे लग रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैप्चर को भरना, सबमिट आपको कर देना है, ओके आपको करना है। कुछ ही देर में आपके सामने जो आपका बिल डेस्क है वो आपका आ जाएगा। जब आपका बिल डेस्क आपके सामने आ जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे आप यहाँ पे जिससे भी आपका अपना पेमेंट है करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट, तो अपना कार्ड की आप सेलेक्ट अपने अपने कार्ड को कर लेंगे और आप जो भी जिससे भी अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है उससे आप करना चाहते हैं तो आपका कार्ड की जो डिटेल है वो आप यहाँ भरेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। इसके बाद अपना पेड लेकर फ्यूचर रिच के लिए संभाल के रख सकते हैं। फिर जो फॉर्म है कम्प्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।